अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव टीवी। मैं हूं चौधरी सरवर। आज मैं आपके लिए झेलम के एरिया में सिंगल स्टोरी 5 मरले का घर लेकर आया हूं। इसकी डिटेल बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन में क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियोज़ बर वक्त बासानी ईजिली आप तक पहुँच सकें। तो ये जो है ना, हम घर के बाहर मौजूद हैं। ये मेरे बैक साइड पर ये सिंगल स्टोरी घर है 5 मरले का। इसका बताता चलूँ तो जमील टाउन के एरिया में घर है सिंगल स्टोरी 5 मरले का, नहायत खूबसूरत। ये दूसरी साइड से भी रास्ता आता है जी, और अगर मैं आपको एक साइड से और व्यू दिखा सकूँ तो ये दूसरी साइड से ना मेन रोड आ रही है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये मेन रोड है जी, अगर मैं आपको चेक करवा सकूँ जूम करके तो ये मेन रोड है, इस साइड से रास्ता आता है। पीछे आबादी आप चेक कर सकते हैं जी, यहाँ पर घर बने हुए हैं, इस साइड से भी घर बने हुए हैं, जूम करके आपको दिखा रहे हैं। 3 गलियाँ लगती हैं, कार पोर्च के अंदर एंटर हो रहे हैं गेट के अंदर। तो ये जो है ना वसी कार पोर्च है, कार पोर्च में ना शेयर्स का ऊपर रास्ता निकाला, ऊपर सीलिंग नहीं हुई हुई इस घर में जी, दीवारों पे जो है ना लगा हुआ है प्लस्तर हुआ है, पर नीचे जो है टाइल लगी हुई है। ये स्टेयर्स के नीचे भी इन्होंने जो है ना प्लस्तर किया हुआ है। सामने ये OTS का ख्याल रखा गया। दूसरी साइड पे किचन है जी, किचन की जो है ना OTS ओपन टू स्काई, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो है ना हवा वगैरह के लिए OTS इन्होंने बाहर वाली साइड पर रखी है जो कार पोर्च में निकलती है। नीचे टाइल का इस्तेमाल किया गया। अभी कार पोर्च के बाद हम जो है ना ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं। ड्राइंग रूम का ये सारा ड्राइंग रूम है जी, ड्राइंग रूम का एक रास्ता जो है ना TV लॉन्च से और दूसरा जो है ना उस साइड से जो है ना आउट साइड से बाहर वाली साइड से आ रहा है जी, एक डोर आ रहा है। इन्होंने ना कार पोर्च में इसका दरवाज़ा नहीं निकाला, डोर नहीं निकाला। ये जो है ना वॉशरूम है, वॉशरूम का आपको भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस्तर हुआ हुआ है, प्लस्तर हुआ, लेकिन यहाँ पे टाइल नहीं लगी, नीचे सिर्फ टाइल लगी हुई है जी। बिल्कुल स्ट्रेट डाउन हम देखें तो जो है ना 2 रूम है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये जो है ना सामने एक वो सामने रूम है, इसके साथ रूम है, और ये जो है ना लेफ्ट साइड पर OTS, एक्स्ट्रा पाइप वगैरह, एक्स्ट्रा स्पेस। OTS का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, अगर आप यहाँ पे मोटर वगैरह पंप वगैरह भी लगा सकते हैं, प्लस ये कि आप जो है ना पाइप वगैरह एक्स्ट्रा जो है ना खूबसूरती में जो है ना मसला नहीं होता, अगर आप जो है ना ओपन निकालेंगे तो जो है ना घर की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफेक्ट पड़ता है उसका। ये रूम है जी, रूम स्टैंडर्ड साइज से बड़ा है, ये 12x12 का रूम नहीं, 14x something के रूम है जी। ये नीचे टाइल लगी हुई है, दीवारों के ऊपर जो है ना प्लस्तर हुआ है, और ऊपर सीलिंग वगैरह नहीं हुई, ना छत प्लस्तर हुआ। ज़ाहिर है अगर छत प्लस्तर नहीं हुआ तो आपने सीलिंग ही करवानी है, और सीलिंग का बेनिफिट आपको पता है कि जो है ना कमरे ठंडे रहते हैं। ये दूसरा रूम है, इसमें जो है ना ओनर का कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो जो है ना हम रूम ओपन करके नहीं बता सकते, लेकिन अब जब आएँगे विजिट करने तो आपको मज़ीद डिटेल बता दी जाएगी। स्क्रीन के ऊपर नंबर ब्लिंक कर रहा है, इस नंबर पर रब्ता करेंगे तब आपको डिटेल बता दी जाएगी। ये किचन है जी, लाइट नहीं है तो किचन का उस तरह आपको व्यू नहीं दिखा सकते हैं हम। प्लस ये है कि आपको बताता चलूँ, ये घर 7000 रुपये रेंट के ऊपर लगा हुआ है। रूम्स हैं, उसके साथ ड्राइंग रूम, पीछे जो है ना वॉशरूम्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको ब्रीफ कर दिया। आप इस चीज़ के मुंतजर होंगे कि आपको ये इस घर की ओनर डिमांड क्या कर रहा है। 7000 रुपये की डिमांड है, इसमें माइनस कमीशन जरूर मुतवक्की है। 37 लाख कभी भी इस तरह की वीडियो नहीं आई, क्योंकि 5 महीने का सिंगल स्टोरी घर है जिसमें 37 लाख 50 हज़ार 40 लाख से कम कम वैसे देखिए तो जहाँ पे जो है ट्रायल वगैरह लगी होती है वो जो है 55-60 टैक्स होती हैं। 37.5 लाख का घर है, इसमें माइनस ही कम पेशी जरूर मुतवक्की है। स्क्रीन को ताकि आप इसी डिटेल बता दी जाए। अपने मेज़बान को इजाज़त दें।